हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करना चाहूंगा बेसिकली एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, जो कि है नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय NVS ने अपनी वैकेंसी को आउट कर दिया है। आप 2 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट है 22 जुलाई। इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करूंगा कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है, कितनी वैकेंसी है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा और आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरीके से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम डिज़ाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ एवरीथिंग मतलब इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं टीचिंग की जॉब के अंदर NVS के अंदर, जो कि नवोदय विद्यालय होते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1616, मतलब 1616। नवोदय विद्यालय की ये वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति की। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1616 है, मतलब 1616। पोस्ट की अगर बात करो तो TGT पोस्ट है, PGT पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है और मिसलिनियस टीचर है। मिसलिनियस के अंदर आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, लैंग्वेज टीचर हो गए, तो ये बहुत सारे वैकेंसी है। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। आप अप्लाई करने की जो डेट है इसकी वो है 2 जुलाई, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई। सो काफ़ी कम टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, लगभग 20 डेज के आसपास है, और फी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट भी यही है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और अब बात करते हैं फ़ी के बारे में कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फ़ी पे करनी होगी। सो अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करने होंगे 2000 रुपीज़। ऐसे ही अगर आप OBC, जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू पे 1800 रुपीज़, 1800 रुपये आपकी फ़ी लगेगी, और TGT के लिए आपके 1500 रुपये फ़ी लगेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC हो गया, ST हो गया या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है, सो उनकी फ़ी नील रखी गई है यहाँ पे, उनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होगी। अब बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है, मैंने कुछ यहाँ पे जो मैक्सिमम पोस्ट है उनके बारे में बात करूंगा आपसे, बाकी आप स्क्रीन पे देख लेना पूरी नंबर ऑफ डिटेल, मैंने जो नोटिफिकेशन है वो दिखा दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोटिफिकेशन का जो PDF है वो दे दिया है और अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़िए। अगर आपको पढ़ना है तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। PGT की पोस्ट जो है वो है 397, TGT की जो पोस्ट है वो है 683, और आपकी जो TGT लैंग्वेज की जो पोस्ट है वो है 343, और प्रिंसिपल की पोस्ट वहाँ पे 12 है। सो और भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि आपको देखने को मिलेगी इसके नोटिफिकेशन के अंदर, मैंने सभी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करी। एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सेंट्रल की वैकेंसी है, कोई स्टेट वाली वैकेंसी नहीं है। नवोदय विद्यालय सेंट्रल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सो आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसी प्रोवाइड होगी, आपकी जॉब प्रोवाइड होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में। गाइस, एज क्राइटेरिया मिनिमम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ एक बैचलर डिग्री होने के बाद एक स्टूडेंट की जो एज होगी वो होगी 21 एटलीस्ट, तो होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है 22 के आसपास, मिनिमम 21 मान के चलते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो TGT पोस्ट वो है 35 ईयर्स, PGT पोस्ट के लिए 40 ईयर्स, और आपकी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 ईयर्स है। और आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो लोग CST से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर्स का है, जो OBC से बिलोंग करेंगे उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो TGT पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ में आपने BEd कर रखी हो और आपका CTET क्वालिफाई हो पेपर 2। अगर आपने PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और साथ में आपके पास BEd की डिप्लोमा होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में तो आपके पास ग्रेजुएशन एज वेल एज BEd होनी चाहिए और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि 50 ईयर्स मांगा है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा ही होगा। तो ये सारे डिटेल नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए अब चलते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, फिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एग्ज़ाम के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो जो गाइस एग्ज़ाम प्रोसेस रखा गया है फॉर प्रिंसिपल, आपको रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी को मिक्स करके दोनों को आपको 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल आस्पेक्ट्स के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स,
एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के आपके 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स। तो ये टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो गए जो कि 150 मार्क्स के आने वाले हैं, जो कि इसके लिए आपको टाइम ले जाएगा 3 आवर्स का। ये मैं प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि इसका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं PGT पोस्ट के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि मास्टर डिग्री जिसके अंदर चाहिए। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 10-20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ICT नॉलेज के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से आप किसी और ज्योग्राफी से आप हिंदी से आप इंग्लिश से जिस से भी है आपको डोमेन सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, उसके बाद आपका लैंग्वेज हो गया जो भी आपने सेलेक्ट करी हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए 150 मार्क्स के। चलिए बात करते हैं TGT पोस्ट के बारे में। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ICT नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन सब्जेक्ट। TGT के लिए आपने डोमेन सब्जेक्ट के जरूर अप्लाई करोगे आप SST वगैरह जिसके अप्लाई करना है, सो उसके आपके 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और लैंग्वेज में इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सो लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आपके एग्जाम में। सो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, देर इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव मार्किंग। सो 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो एग्जाम करते टाइम ध्यान से करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है इस एग्जाम के अंदर। सो ये था डिटेल नोटिफिकेशन, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, जहाँ तक मुझे लगा मैंने कवर अप करने की कोशिश करी बहुत कम समय में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, या फिर और कुछ पूछना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, साथ में ट्विटर का भी आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नई अपडेट्स के साथ, नई जॉब्स के साथ। जय हिंद।